commentary from the Dan Fitness Vlog. Don't judge a book by its cover. First read it and then mind it. आज हम बात करने वाले हैं हम जिम के बाद क्या खाएं, मींस पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी जो स्टूडेंट हैं जिम वाले, वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं पोस्ट वर्कआउट मील में, प्री वर्कआउट मील में। खैर, प्री वर्कआउट मील के बारे में अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी बात कर रहे हैं पोस्ट वर्कआउट मील के ऊपर। तो पोस्ट वर्कआउट मील में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जो जिम वाले हैं। अगर आपने मसल बिल्ड करने हैं, क्या खाएं जिससे मसल बिल्ड हो, मसल फुलरनेस लगे, मसल गेन हो। जिम में तो हम वर्कआउट करके आ जाते हैं, लेकिन जो रिकवरी मोड है वो तो घर पे होगा ना, वो तो डाइट करेगी, क्योंकि तो डाइट का 70% रोल है ना, जो वो डाइट का है। तो आफ्टर वर्कआउट जो मील लेनी है, सबसे पहले हमें करना है कार्ब लोड। अभी कुछ कहेंगे यार कार्ब लोड, हमें तो जिम वाले ने, कोच ने बोला है कि वर्कआउट के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर 20-25 मिनट के अंदर अंदर प्रोटीन, वे प्रोटीन इनटेक करो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, जब हम वर्कआउट करते हैं ना, हमारे बॉडी में, मसल्स में ग्लाइकोजन लेवल होता है जो धीरे धीरे डेप्लीट होने शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसे रीबिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले कार्ब लोड करने पड़ते हैं, और ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट होने से सबसे पहले जिम में एनर्जी ख़त्म होती है। जब एनर्जी ख़त्म होती है तो पावर भी ऑब्वियस है कि कम होगी, पावर उतना वेट नहीं उठाया जाता हमसे, तो वो भी थोड़ा कम। यार पहले मैंने 40 किलो की बेंच लगाई, अभी 30 की भी नहीं लग रही, ये क्या हो गया? उसका रीज़न यही है कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो गया है। तो कुछ मैटर करती बात प्री वर्कआउट के ऊपर भी, लेकिन आप जैसे मैंने बोला प्री वर्कआउट के बारे में फिर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आफ्टर वर्कआउट जो पोस्ट मील अपनी है, हमारी है जो पोस्ट वर्कआउट मील है, उसमें सबसे पहले कार्ब लोड करें। कार्ब लोड के जो गुड सोर्स हैं, अपना उबले हुए आलू, वाइट राइस, अपना रेड पोटैटोस, ये चीज़ है ना, जो ओट्स, ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब। लेकिन हमें फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब चाहिए, जो जैसे कि जो वाइट राइस होते हैं ना, जो आलू होते हैं, वो अच्छा सोर्स है फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स का। तो उसके साथ क्या होता है, जब हम कार्ब लेते हैं ना, लोड करते हैं वर्कआउट के बाद में, तो उससे क्या ग्लाइकोजन लेवल बनना शुरू होता है, रिप्लेनिश होता है। तो जब ग्लाइकोजन लेवल रिप्लेनिश होता है, तो मैकेनिज्म है बॉडी का, जब कार्ब लोड करते हैं ना, कार्ब लोड करने के बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, उसके दौरान प्रोटीन लें तो आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर पोस्ट वर्कआउट मील में अगर आप प्रोटीन, वे प्रोटीन ले लोगे, तो ग्लाइकोजन लेवल तो डिप्लीट हुआ होगा, उससे क्या होगा, वे प्रोटीन अपना प्रॉपर जो उसका रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगा, आधा वो ग्लाइकोजन लेवल बनाने में चला जाएगा और आधा आपके मसल्स में। तो उनको यही लगता है कि यार बॉडी नहीं बननी, वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन नहीं, पर ये नहीं पता कब खाना है, कैसे खाना है। तो आफ्टर वर्कआउट में कार्ब लोड करें। वेजिटेरियन सोर्स में जो प्रोटीन है, टोफू हो गया, सोया पनीर, सोया चंक्स, सोयाबीन की दाल, ठीक है, अपना वो क्या, घर का पनीर, डायरी पनीर जो होता है वो हो गया, केनुआ हो गया, ये खाएं। और नॉन वेजिटेरियन जो है, वो जो फिश, मीट, चिकन ब्रेस्ट, एग्स, अंडे वगैरह जो होते हैं वो खाएं। तो और पोस्ट वर्कआउट मैंने बता ही दिया कि आप सबसे पहले कार्ब लोड करें, कार्ब लोड करने के बाद अपना वे प्रोटीन लें, उसको भी ऐड करें कुछ टाइम बाद, जैसे 20-25 मिनट बाद वे प्रोटीन ऐड कर लें। और कुछ लोग कहते हैं ना यार, नहीं नहीं वे प्रोटीन लो, एनाबॉलिक विंडो होती है, इसमें लेना चाहिए। यार एनाबॉलिक जो विंडो होती है ना हमारी बॉडी की, वो इतनी जल्दी नहीं वो क्लोज होती, वर्कआउट करने के बाद वो धीरे 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 उसका लेवल अप जाता है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद वो नीचे आता है स्पाइक होकर, सॉरी। तो ये झंझट में ना पड़े फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग में, जो मिथ है, साइंस के ऊपर जाएं, पहले पढ़ें, स्टडी करें, सब कुछ है यार गूगल पे। ये ना मत सोचो कि उसने बोला, उसने 20-25 मिनट के अंदर वे प्रोटीन ले लिया तो वे प्रोटीन ले लो, ठीक है, उसका भी कोई रीज़न होता है, वो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्यों लेना चाहिए, अगर लेना भी है 20-25 मिनट के अंदर वे प्रोटीन लेना है तो क्यों लेना है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और क्योंकि हाँ, स्पेशली जो कार्डियो करते हैं, अगर उन्होंने सॉरी
अगर उन्होंने एक अच्छा कार्डियो किया हुआ है, मतलब एक तकड़े लेवल का कार्डियो किया है, आधा पौना घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट कार्डियो किया है, तो वो कम से कम एक कार्डियो के बाद 1 घंटा कोई कार्ब ना लोड करें। क्योंकि कार्डियो अगर अच्छा किया है ना, तो कार्डियो करने से काफ़ी टाइम, 6-7 घंटे तक ना, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी अप जाता है, फास्ट होता है। कार्डियो करने के बाद भी हमारा ब्लड फ्लो फास्ट रहता है, और वो कार्डियो के बाद भी हमारी फैट लॉस प्रोसेस चलता रहता है। तो 1 घंटे बाद कार्ब लोड करें, ताकि उससे क्या होगा, कार्डियो को थोड़ा सा अपना ब्लड लेवल भी थोड़ा शांत हो जाएगा, नीचे आएगा, स्लो हो जाएगा, और मेटाबॉलिक रेट जो अपना प्रोसेस कर रही है फैट बर्निंग का वो भी करता रहेगा, और उसके बाद कार्ब लोड करें। ठीक है, बस इन बातों का ध्यान रखें, अच्छे से डाइट लें, बढ़िया डाइट लें, कुछ 100-100 कार्ब लें, थोड़ी सी फैट्स भी ऐड करें अपनी डाइट में, फैट्स और कार्ब, प्रोटीन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही अच्छा मसल बना पाएगा। अगर आप अच्छा मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, और तभी अच्छा मसल गेन हो पाएगा। और बाकी रही बात प्री वर्कआउट मील्स की, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उसका भी काफ़ी प्रोसेस होते हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ है, ये नहीं बस ये खा लिए वो खा लिए, चलो कितनी देर पहले खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सारा बताया जाएगा अगली वीडियो में। अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। बस ये पोस्ट वर्कआउट मील का थोड़ा ध्यान रखें। जब हम कार्ब लोड करते हैं, कार्ब लोड करने के बाद प्रोटीन भी ऐड करते हैं ना, तो प्रोटीन है जो मसल्स में जाएगा, प्रोटीन जाएगा मस प्रोटीन टूट कर अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड मसल में चाहिए मसल गेन करने के लिए, तो मसल में जाएगा, वो मसल में जाकर स्टोर होंगे, और कार्ब अपना काम करेगा, ग्लाइकोजन लेवल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन में ना जाएं, कार्ब लोड करें अच्छे से, गुड सोर्स ऑफ कार्ब, और प्रोटीन ऐड करें, थोड़ी सी फैट ऐड करें, लेकिन फैट कुछ टाइम बाद, क्योंकि अगर वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में अगर हम फैट ले लेते हैं ना ज़्यादा मात्रा में ना, तो वो कार्ब्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा डिले कर देता है, क्योंकि जो फैट का प्रोसेस, फैट ना अगर किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, वे प्रोटीन में, कार्ब में, तो उसके प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो फैट कुछ टाइम बाद, जैसे 2-2.5 घंटे बाद फैट्स ले लें, या पीनट बटर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, अवाकाडो हो गया, ये चीज़ें अपनी ऐड करें, और ध्यान रखें बस अपना, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, दिस इज आशीष, साइन ऑफ, एंड डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।